हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग अनाया। आज हम आपके सामने रिव्यू लेकर आए हैं कैरीकॉट कम बाउंसर का। इसे कैरीकॉट कम बाउंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेबी को कैरी करने के लिए इजी होता है। ये बहुत ही लाइट वेट है। इसकी हैंडल से आप अपने बेबी को इसमें रख कर पकड़ कर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और बेबी को गिरने का कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें सेफ्टी बेल्ट दिया हुआ है, उससे आप अपने बेबी को इसमें लॉक कर सकते हैं। इसका कुशन भी बहुत सॉफ्ट है, बेबी को ये चुभने का भी कोई डर नहीं है और बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये। आप अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या अपने बेबी के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी बेबी को भी ये गिफ्ट मिला था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये गिफ्ट उसे किसने दिया था। ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है और मैंने इसे 6 मंथ यूज़ करने के बाद ही आपको इसका रिव्यू देना चाहती हूँ। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपका बेबी जब बॉर्न होता है उसी समय इसे ले लीजिए ताकि ये 6-7-8 मंथ तक आप इसे 6-8 मंथ तक आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कैरी बाउंसर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 अलग अलग फैसिलिटीज़ है जिससे आप 10 टाइप से इस बाउंसर का उपयोग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें सिटिंग सीट, सेकेंड है सेफ्टी नेट, कैरिंग बाउंसर, कार सीट, रॉकर, फीडिंग, स्लिपिंग सीट, स्विंग एंड बाथर। ये 10 टाइप है जिससे आप अपने बेबी को इसमें बिठाकर और इस बाउंसर का यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी को तो इसमें बैठना बहुत पसंद है और मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है 6 मंथ। सबसे पहला है स्लिपिंग सीट। स्लिपिंग सीट के लिए इस बाउंसर में ये दोनों तरफ स्क्रूज दिए गए हैं जिसे आप लूज़ और टाइट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से टाइट और लूज़ हो जाते हैं। और ये हैंडल को आप नीचे कर देंगे जिससे ये बाउंसर को आसानी से स्टैंड मिल जाए और आप अपने बेबी को इसमें बिठा सकते हैं। बिठाने के बाद अगर उसे गिरने का, छोटा बेबी है तो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन बेबी थोड़ा 4-5 मंथ का है, थोड़ा मूव करने लग गया है, नीचे की ओर सरकने लग गया है, तो आप अपने बेबी को इससे लॉक भी कर सकते हैं। इस लॉक से, सेफ्टी लॉक से उसका गिरने का कोई डर नहीं है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट में कवर दिया गया है। इस कवर को आप हैंडल पे इस तरीके से सेट करके, इसमें इलास्टिक दिए गए हैं, उसे आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए, हैंडल का थोड़ा टाइट कर लीजिए। आप हैंडल का कवर कर लीजिए और इसमें एक मॉस्किटो नेट दी है। इस मॉस्किटो नेट को भी आप आसानी से इस पर लगा सकते हैं। कैरिंग के बारे में मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ कि आप अपने बेबी को इस तरीके से हैंडल को ऊपर कर बेबी को इसमें कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसे उठाने में भी बहुत आसानी होती है और इसमें सेफ्टी बैग दिए हुए हैं जिससे बेबी को गिरने का कोई डर नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें बाउंसर। बाउंसर मेरी बेबी को सबसे अच्छा लगता है। इसमें एक रॉड भी हुई है और नीचे होल दिए हैं। इस रॉड को इस होल में फिट करना होता है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे इजीली इंस्टॉल कर सकता है। इसमें दोनों तरफ होल दिए हुए हैं, उसमें आप इसे फिट कर दीजिए और जब भी बेबी इस पर बैठेगा तो ये बाउंस होगा। मैं अपने बेबी को भी बैठा कर इसमें बताऊंगी किस तरीके से बाउंस होता है। उसे इसमें बैठना बहुत पसंद है बाउंसर में। तो फोर्थ है इसका बाउंसर। नेक्स्ट आता है कार सीट। कार सीट पर आप अपने बाउंसर को कार की सीट पर रखकर इसमें अपने बेबी को लॉक करके और कार का सीट बेल्ट से कवर कर दीजिए। इससे अगर आपकी कार कहीं पर भी मूव होती है, रन होती है, तो बेबी का गिरने का कोई डर नहीं रहता और बेबी इसमें बैठकर आराम से इंजॉय करता है।
से आपका रोकर रोकर आपका बहुत ही इजी है। आप अपने बेबी को इस बाउंसर में रखिए और ये उसके लिए रोकर का भी काम करेगा। बेबी इसमें आसानी से सो सकता है। अगर आपका बेबी 1 to 3 month या 4 month का है तो इतनी ईजी आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं, अपने पास में बेबी को सुला कर रोकर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फीडिंग। फीडिंग के लिए भी बाउंसर बहुत ही यूजफुल है। अपने बेबी को आपको कुछ भी खिलाना है तो आप उसको इसमें आराम से बिठा दीजिए। अगर आपका बेबी बॉटल फीडिंग करता है तो आप उसे बॉटल दे दीजिए, वो इसमें आराम से खुद फीड कर सकता है। इधर से उधर कुछ करवट लेने का या घूमने का भी कोई डर नहीं रहता है और वो आराम से अपनी बॉटल लेकर फीड कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें स्लीपिंग सीट। तो स्लीपिंग सीट एंड फीडिंग ऑलमोस्ट सेम है। स्लीपिंग सीट के लिए थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए और बेबी इसमें आसानी से सोता रहेगा। स्लीपिंग सीट हो गया, सिटिंग सीट एंड फीडिंग ऑलमोस्ट तीनों टाइप सेम ही है, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्विंग। स्विंग के लिए आपको इसमें दो रस्सियां दी गई है और हुक दिए गए हैं। ये इस बाउंसर के साथ ही आपको दो रस्सियां मिलने वाली है और दो हुक मिलने वाले हैं जिसको आप इसमें आसानी से अटैच कर सकते हैं। इस बाउंसर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और आप इसकी सीट भी अगर गंदी हो जाती है तो आप इसे वॉशेबल है, आप इसे आसानी से धो सकते हैं। ये आसानी से निकल भी जाती है, लग जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें जो दो रस्सियां दी है उसमें तीन आपको इस टाइप से हुक दिए हुए हैं। हर रस्सी में दो हुक आपको इसमें होल दिए हैं, इस टाइप से उसमें लगाना है। इजीली लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने इसमें फिट कर दिए दोनों तरफ और दो हुक इसमें एक इधर और एक इधर ऊपर दिए। इसमें दो रस्सियां दी है और दोनों रस्सियों में तीन तीन हुक दिए हैं जिसमें से दो दो हुक आपके इन होल्स में फिट होंगे और एक हुक ऊपर की तरफ है रस्सी में जिसको आप ऊपर कहीं पर भी इस टाइप से लगा सकते हैं और ये स्विंग होने लगेगा। अभी मेरे पास ऊपर टांगने के लिए कुछ है नहीं इसलिए मुझे आपको हाथ से ही पकड़ के दिखाना पड़ रहा है। ये इस टाइप से स्विंग होगा। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है आपका बाथर। बाथर बहुत ही यूजफुल है। बाथर इसलिए यूजफुल है क्योंकि आपके बेबी अगर छोटा होता है उसे मिलाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस कैरी कॉर्ड कप बाउंसर में अपने बेबी को आसानी से मिला सकते हैं, बाथ दे सकते हैं। इसकी सीट इजीली, जो ऊपर की ये सीट है कवर है वो इजीली रिमूव हो जाता है। यहाँ पर दोनों साइड दो दो लॉक दिए हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। आप इसे निकाल लीजिए। मैंने इस सीट को 2 to 3 times धो लिया है और अभी भी ऐसी ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पूरी इलास्टिक दिया है, इससे आप इसको आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब ये आपका बन गया है बाथर। बाथर में आपके नीचे होल दिए हुए हैं, इसमें से जब भी आप अपने बेबी को निकालते हैं पानी आसानी से निकल जाता है और बेबी के गिरने का भी कोई डर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये रॉकर की तरह भी काम करता रहता है तो बेबी को नहाने में भी बहुत मजा आता है। और बाथर को आप जब भी यूज करें तो मैं इसमें एक टॉवल डाल लेती हूँ क्योंकि वैसे तो उसमें कहीं पर भी कोई चुभने का कोई डर नहीं है, लेकिन जो ये बाहर की तरफ स्क्रूज दिए हुए हैं बाउंसर के लिए, ये अंदर बेबी को यहाँ पर अगर कहीं चुभ ना जाए, वैसे इसमें फिनिशिंग है बट फिर भी मैं इसमें एक टॉवल डाल लेती हूँ जिससे बेबी को कहीं पर भी चुभने का कोई डर नहीं है। और आप बाथर का टाइप से यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें बात करा सकते हैं। नेक्स्ट है आप इसमें जो बाउंसर की रॉड है, ये बाउंसर रॉड लगा कर भी आप इसे रख सकते हैं। मैं इसको ये रॉड फिट कर कर ही
बात देती हूँ जिससे ये बाउंस भी होता रहता है और इसमें से पानी भी फटाफट निकल जाता है और बेबी को नहाने में भी बहुत मज़ा आता है। इस टाइप से टेरिमन बाउंसर है जो बहुत ही यूजफुल है। आप किसी को भी बेबी को गिफ्ट देना चाहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो जब आपकी बेबी का बर्थ होता है उसी समय आप ले लीजिए, क्योंकि 6 to 8 months तक ही बेबी इसमें आसानी से बैठ सकता है। उसके बाद बच्चे क्रॉलिंग करने लगते हैं तो इसमें ज़्यादा देर बैठते नहीं है, और अगर आप लेट लेते हैं तो आप इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर बाउंसर लेते हैं तो बाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रोकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है बाउंसर, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसे लेते हैं तो 6 to 8 months से इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसके फ़ायदे बहुत हैं, पर एक नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि आप जब भी अगर अपनी बेबी को इसमें लॉक करते हैं तो आपको ये ध्यान देना रहेगा कि बेबी की स्किन इस लॉक में ना आ जाए। स्किन इस लॉक में आने का डर हो सकता है और इसमें कोई डर नहीं है। बाकी सारे इसके फायदे ही है, और इसका कुशन भी बहुत ही सॉफ्ट है। ये आ गई है हमारी अनाया बाउंसर में बैठने के लिए, और ये बाउंसर इस टाइप से मूव होता है जब आप अपने बेबी को इस पर बिठाते हो और अनाया इसमें बैठ के बहुत इंजॉय करती है, और आप इसके बेल्ट को इस तरीके से इसमें फिट कर सकते हैं। या तो आप नीचे से लेकर, अनाया थोड़ी बड़ी हो गई है इसलिए अनाया को हम इस टाइप से इसमें फिट करके उठा देते हैं, इसे हम लूज एंड टाइट कर सकते हैं। इसे ये बाउंसर आपको 1500 से स्टार्ट होता है, और आप जिस टाइप का बाउंसर खरीदते हैं उस टाइप से इसकी प्राइस भी चेंज होती जाएगी। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।